백스핀 엘보 무에타이 까지. एक भद्दा बदसूरत और मोटा दिखने वाला लड़का अपने आप को एक दिन बेहद ही सुंदर लड़की की बॉडी में पाता है। आपको इस बात पर विश्वास हुआ? पर हाँ, इस एनिमे की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, जिसका मेन कैरेक्टर यानसुक होता है। उसको रोज उसके क्लासमेट्स बहुत बुली करते थे और मारा करते हैं। घर जाकर अपनी माँ पर चिल्लाते हुए स्कूल चेंज कराने की कंप्लेन करता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पर निकाल देता है। अगले ही दिन वो फिर से स्कूल में बुली होता है और बहुत मार खाता है। बट बीच में उसकी मॉम आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो पागल अपनी मॉम पे चिल्लाकर उन्हें भगा देता है। घर आकर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके एडमिशन के लिए स्कूल में आई थी और उसका एडमिशन कहीं और करा दिया है, बट उसे वहाँ अकेला रहना होगा क्योंकि उसकी मॉम जॉब नहीं छोड़ सकती। जल्दी यानसुक अपने नए रूम में शिफ्ट हो जाता है, नए शहर को देख के बहुत खुश होता है। बट उसकी किस्मत, वो एक अनजान लड़की से टकराने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि वो उससे माफी मांग रही थी। नए और अच्छे लोगों को देखकर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर यानसुक की किस्मत बोला था, लड़की का बॉयफ्रेंड आकर उसे बहुत सुनाता और उसकी पिटाई लगा देता है। उसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, बेचारा यानसुक। पर यानसुक को पता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है, ना ही आपको। उसी रात यानसुक जब उठता है तो वो अपने आप को किसी और बॉडी में पाता है, एक स्मार्ट और डैशिंग बंदे की बॉडी में। पर थोड़ी देर बाद जब उसे पता लगता है कि वो खुद ही है किसी और बॉडी में, तो वो उस चीज का फायदा उठाता है। और होना क्या था, स्कूल जाते ही यानसुक पहले ही दिन स्कूल की न्यूज पर आ गया। हर लड़की यानसुक पे फिदा थी, क्लास में सिर्फ यानसुक के चर्चे थे। भाई की शक्ल बदली है किस्मत नहीं, यानसुक को पता लगता है कि उसका बगल वाला बेंचमेट वही बंदा होता है जिसने उसे एक दिन पहले पीटा था। क्लास की सो कॉल्ड गोल्ड डिगर सोई पार्क भी यानसुक पे लाइन मारती है। यानसुक से पूछती है कि उसने फैशन डिजाइनिंग क्यों लिया, पर उस सबको क्या मालूम, यानसुक के पिछले स्कूल के मार्क्स ही इतने कम थे कि उससे और कुछ मिल नहीं सकता था। बट हर इनसिक्योर बंदे की तरह यानसुक ने झूठ बोला और बोला उसे फैशन डिजाइनिंग पसंद है। उसी दिन यानसुक ने यह भी पता लगाया कि यानसुक की सिर्फ शक्ल नहीं, यानसुक एक अच्छा एथलीट भी बन गया है। बट जैसे ही वो सोता है, वो अपने पुराने बॉडी के अंदर आ जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जॉब ले ली, क्योंकि भाई शक्ल से पेट थोड़ी भरेगा। बट पहले तो दुकानदार उसे जॉब नहीं दे रहा था, पर बहुत मशक्कत के बाद उसको जॉब मिल ही गई। पर भाई की किस्मत, जैकली और उसके कुछ पंटर लोग आकर यानसुक की बहुत धुलाई लगाते हैं क्योंकि उसका नाम उनके क्लास वाले यानसुक से मिल रहा था। उन्हें क्या ही पता वो सेम यानसुक है। चारे को फिर मार पड़ती है और इंश्योरेंस के लिए उसकी एक अश्लील फोटो भी रख लेते हैं। अगले दिन दूसरा यानसुक ये देखता है कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी माँ के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं, जिसे सुनकर यानसुक को बहुत गुस्सा आता है और इस चीज पे वह जैक से लड़ाई कर लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो बहुत बुरी मार खाने वाला है और सब लोग आसपास उन्हें रोकने भी लगते हैं, बट नहीं, दोनों लड़कों के बीच में आग तो लग चुकी थी। पुराना एक्सपीरियंस याद करते हुए यानसुक उस पंच को डॉज करके जैक को एक ही पंच में नॉक कर देता है, जिसकी कहानी पूरे स्कूल में उसे फेमस कर देती है। अब सब के सब यानसुक के दीवाने हो चुके थे। अगले दिन मोटे यानसुक के स्टोर में एक सी हाओ नाम का बंदा चार्जर चोरी करके भागने लगा, बट अपने भाई की किस्मत भी तो खराब है। उसे पता लगता है उसको तीन बंदे बुली कर रहे होते हैं, जो आगे जाकर इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर करते हैं। बट हेयर कम्स अ सेकंड हीरो, बास्को। बास्को हमारा कोई आम बंदा नहीं है, वो बर्निंग नकल गैंग का लीडर होता है, जो इन पंटर लोगों की बहुत अच्छी क्लास लेता है। अब यह मोटे यानसुक की खराब किस्मत अच्छे यानसुक पे भी आने लगी थी। अगले दिन कैफेटेरिया में बास्को आकर यानसुक से मैटर ले लेता है। उसे लगता है यानसुक काफी खराब आदमी है। बास्को के इतने ताकतवर होने के बाद भी यानसुक उसे अकेले ही संभाल लेता है, जिसे देखकर सबकी पैंट टाइट हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई को बमजे शांत कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है यानसुक बास्को को बहुत। लड़ाई के बाद जैक के पंडर लोग यानसुक को पार्टी में बुलाते हैं, जहाँ जाने के बाद बहुत बवाल होता है। वो उन लोगों को अपने रूम पार्टनर के बारे में बता रहा होता है, जो उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और उन्हें लगता है वो कोई गैंगस्टर है। बात करते करते वो लोग यानसुक और जीहो की जो वीडियो बनाई थी लड़ाई की, उस पर हंसने लगते हैं, जिस बात पर यानसुक गुस्सा होकर फोन तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। और यहाँ मोटा यानसुक
तुरंत भागकर अपने आप को वापस लेने जाता है, जहां वो लोग उससे पूछते हैं, बट वो कुछ ना कुछ कर। जिसके बाद जैक यांसु को पंच मारना सिखाता है और उस मशीन का हाईएस्ट स्कोर सेट कर देता है, जिस स्कोर को देखकर बाद में बॉस को कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मोटे यांसुक ने उस मशीन की ये हालत की है और पतला वाला यांसुक मोटे यांसुक का फायदा उठा रहा है। कुछ ही दिनों बाद यांसुक की माम उससे मिलने आती है। वो देखकर शॉक हो जाती है कि यांसुक सो रहा था, बट हमारा हैंडसम हीरो सिचुएशन को संभाल लेता है ये बोलकर कि यांसुक बहुत ज़्यादा काम करता है, रात को ओवरटाइम कर करके बेचारा थक जाता है। वो यांसुक की माम को एक स्टोर में ले जाता है जहाँ आकर यांसुक की माम को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में कभी आई नहीं। वो उसे समझाती हैं, बताती हैं कैसे वो डबल शिफ्ट करके यांसुक को पैसे भेजती हैं और कितनी मुसीबतों के बाद वो यहाँ आ पाया है। बट अपने हीरो की किस्मत, बॉस को वहीं कहीं कोने में बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जिससे वो गलती से गलत समझ लेता है। उसे लगता है हैंडसम यांसुक मोटे यांसुक को बुली करता है और उसकी माँ का फ़ायदा भी उठा रहा है। वो उसकी माँ से पैसे लेकर उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा रहा है। ये सब देखने के बाद बॉस्को को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली भाई मुझे भी आता अगर मैं गलत समझता तो। इसके बाद बॉस्को यांसुक को 1-on-1 बैटल के लिए ले जाता है, जहां वो यांसुक को बहुत मारता है। बट इवेंचुअली भाई हमारा हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बॉस्को को एक ही पंच में हरा देता है। बॉस्को को बमजे के पास छोड़कर चला जाता है। अगले दिन बॉस्को मोटे यांसुक के पास जाके माफी मांगता है और उसे कहता है कि तू ताकतवर है भाई, तू ट्रेनिंग कर। जिसे सुनकर अपना मोटा यांसुक ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करते करते बीच में एक लड़की आ जाती है, बहुत ही सुंदर, जो उसको प्रोटीन ड्रिंक भी ऑफर करती है। अगले दिन यांसुक ट्यूक को एक स्टूडेंट से बुली होने से बचा लेता है, जिसका ट्यूक को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। के बाद जेयोंग को यह पता लगता है कि अगले दिन यांसुक का बर्थडे है और उधर स्टोर में वो सुंदर कन्या वापस आती है। और अगले दिन ट्यूक यांसुक को बताता है कि वो क्यों यांसुक का दोस्त नहीं बनना चाहता है। इस बात से यांसुक काफी उदास होता है। हमारा जेयोंग द रिच किड यांसुक से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसके बर्थडे गिफ्ट में उसे बहुत ज्यादा कपड़े और जूते गिफ्ट करता है। इसकी वजह से उसके क्लासमेट्स का प्लान फ्लॉप हो जाता है, जो यांसुक को बुली करने वाले होते हैं उसके गंदे कपड़े और जूतों के लिए। अब हमारा हीरो गरीब नहीं रहा, मतलब कम से कम दिखने में और पहनने में ही सही। और पूछने पर वो बताता है कि उसके काफी खास दोस्त ने उसे सब गिफ्ट किया है। यहाँ हमें पता लगता है कि ड्यूक भैया तो हमारे रैपर निकले, जो रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो ज्यादा कुछ खास नहीं देखते। उसके बाद ड्यूक स्कूल में जाकर एक टैलेंट शो का पोस्टर देखता है, जिसमें जाने का वो फैसला करता है। जिस बारे में विंजन सुनकर ड्यूक को कैफेटेरिया में बहुत बुली करता है और वो उसके एप्लीकेशन फॉर्म का भी मजाक उड़ाता है। और जिसके बाद हमारा हीरो बॉस्को और जे मिलकर उसकी मदद करते हैं और विंजन को उस जगह से भागना पड़ता है एक यूजुअल कुत्ते की तरह। जिसके बाद बॉस्को फिर अपने हीरो के साथ लड़ाई करने के लिए बोलता है, पर उसका दोस्तों से रोक लेता है कि भाई। और जिसके बाद ड्यूक और हमारा हीरो साथ मिलकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं, जिसके बाद ड्यूक उसे अपने घर बुलाता है। लगता है यांसुक उसे जज करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि यांसुक उसके घर की सफाई करने लगता है। वो दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें यह समझ आता है कि अगर ड्यूक की रैपिंग और उसकी सुंदर आवाज मिलकर काम करेंगे तो वो पक्का कंपटीशन जीत जाएंगे। विंजन के रिकॉर्ड लेबल ने भी विंजन के लिए वर्ल्ड क्लास सिंगर से उसकी लिरिक्स लिखवाई है। और यांसुक अपनी दोनों बॉडीज में सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा था और एक दिन वो जब दूसरी बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा था तो वो खूबसूरत लड़की फिर से उसके पास आती है, जो उसे उसका गला सही करने के लिए दवाई देती है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि यू हैव अ गुड वॉइस। यहाँ हमारा ड्यूक उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि इतनी जल्दी सॉन्ग मास्टर कर लिया भाई, बट इसकी किस्मत उसी के बाद विंजन इन दोनों को पकड़ता है और ड्यूक की जो मराही लगाता है वो मेरे भाई। बट उसकी किस्मत अच्छी हो गई इस वक्त और विंजन को उसके प्रोडक्शन हाउस वाले बुला लेते हैं कॉल कर। इसके बाद ये तीनों लूजर्स बैठ के रोते हैं और अपना दुख दर्द शेयर करते हैं और बताते हैं कैसे हैंडसम वाले यांसुक के आने के बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, जिस बात को बॉस को सुन लेता है। और कन्फर्म करने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने हैंडसम वाले यांसुक को बहुत ज़्यादा ही गलत समझा।
अगले दिन टैलेंट हंट में वो सुंदर लड़की भी आती है अपने बॉडीगार्ड के साथ, जिसे देखकर सब लोग पागल हो रहे थे। उस लड़की को देखकर हमारा हीरो भी थोड़ा बहक जाता है और उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो उसे जानता था, पर वो भूल जाता है कि वो इस बॉडी में उससे पहली बार मिल रहा है, जिसे देखकर वो लड़की उसकी बहुत गंदी बेइज्जती करती है और उसका बॉडीगार्ड उसे बहुत गंदा मारता है। वो उसे थोड़ा सा डिफेंड तो कर पाता है, पर वो प्रोफेशनल फाइटर होता है, जिसे पिटता देख बेचारा बॉस को आता है और बॉस को कहता है कि साइड हट जाए, मेरा दोस्त है। इसके बाद एक घूसा खाने के बाद बॉस को बिल्कुल नहीं हिलता और उसे बोलता है कि चश्मा उतार। वहीं खड़ी वो लड़की वो फाइट को रोक देती है और बोलती है कि हमें चलना चाहिए। और जॉनसुक को भी याद आता है कि भाई वो तो आया कंपटीशन के लिए आया है, जिसके लिए वो लेट हो रहा है। और बैकस्टेज पहुंचने के बाद इन लोगों की हाथापाई हो जाती है, जिसका ड्यूक बोलता है कि मैं गाना गाकर तेरे को जवाब दूंगा साले। और पब्लिक में पहुंचते ही पब्लिक इन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है, यार हाँ, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है यार। बट परफॉर्मेंस जैसे ही चालू होती है, जनता की हवा टाइट, पब्लिक में चिल्ला चोट सीटियां, तक कि डायरेक्टर भी सरप्राइज हो जाता है, जिसने ड्यूक को पहले मना किया था लेने को। जिसके बाद डायरेक्टर आके जॉनसुक को ऑफर करता है कि वो उसके साथ काम करे, पर वो उसे ठुकरा देता है, क्योंकि वो कहता है कि जो वो है वो ड्यूक की वजह से है। के बाद इनकी वो वीडियो एक फेमस सिंगर देखता है और एक ऐसी लड़की जिसके पास जॉनसुक जैसी ही पावर्स थी। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन में वो क्या दिखाते हैं। अगर वीडियो अभी भी देख रहे हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आगे किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस एनिमे का ब्रीफ दूंगा आप लोगों को।